मच्छरों के जीवन चक्र के बारे में 99% लोग नहीं जानते। एक मच्छर ही तो है जो इंसानों के सुख और दुख दोनों का बराबर का साथी होता है। अब आप लोग इस बात को सुनकर वाकई हैरान हो रहे होंगे। दरअसल ये मच्छर इंसानों की इन परिस्थितियों में भी अपना काम जारी रखते हैं। वे बिना किसी भेदभाव किए सभी को बराबर परेशान करते हैं। यही वजह है कि मच्छरों का जीवन चक्र बेहद ही रोमांच भरा होता है। आइए जानते हैं इंसानों को परेशान करने वाले ये मच्छर आखिर पनपते कैसे हैं। वैसे तो मच्छरों का जीवन चक्र सिर्फ 21 दिनों का ही होता है, मगर इन 21 दिनों में ही इनके जन्म से लेकर इनकी मृत्यु तक की सभी क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहले इनके अंडे सिर्फ 24 घंटों में ही विकसित होकर लार्वा बन जाते हैं। फिर उनसे 4-5 दिन के भीतर ही इनका ये लार्वा प्यूपा में बदल जाता है, और यही प्यूपा अगले 2 दिनों में वयस्क मच्छर बन जाता है। अगर कोई मादा मच्छर एक बार किसी मनुष्य को काट ले तो वो उसके 48 से 72 घंटों के अंदर अपने अंडे दे देती है। इतना ही नहीं, बल्कि एक मादा मच्छर अपने जीवन चक्र में केवल 4 से 6 बार ही अंडे देती है।